अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आपके दुआ से हम सब भी बिल्कुल ठीक। फ्रेंड, रमज़ान का आज 20 रोज़ा हो गया, तो आज 20 रोज़ा आप सबको बहुत बहुत मुबारक। फ्रेंड, 20 रोज़ा इतनी जल्दी गुजर गया, पता ही नहीं चला। फ्रेंड, 20 रोज़ा गुजर गया तो ईद की साफ़ सफ़ाई अब शुरू कर दूँगी, तो आज मैं जा रही हूँ रूम की सफ़ाई करने के लिए। फ्रेंड, धूप भी बहुत आज तेज़ है और हवा भी बहुत तेज़ चल रही है। फ्रेंड, तो चलती हूँ अब रूम की सफ़ाई करने के लिए। हवा तेज़ चलने की वजह से देखिए फूल बहुत सारा गिरा हुआ है नीचे। बकरा खुल गया और देखिए यहाँ आकर फूल खा रहा है, बगीचे में घूम रहा है। मुर्गा मुर्गी को खाना मिल गया है तो मुर्गा मुर्गी खाना खा रहा है। फूल ज़्यादा पसंद है खाना, तो वो बकरा हमारा फूल खा रहा है। उसको पीला फूल बहुत तो टेस्टी लगता है। फ्रेंड, तो बहुत सारा कपड़ा आज धोने के लिए, तो अम्मी मशीन लगा दी है और सारा कपड़ा डाल दी है धोने के लिए। माय यूट्यूब फैमिली, मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग वीडियो देखते पर वीडियो को लाइक नहीं करते और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फ्रेंड, रूम की सफाई की है, किचन की सफाई कर ली है। किचन की सफाई हो गई तो कपड़ा बहुत सारा था वो भी धुल गया है, तो टाइम हो गया था नमाज का, तो मैं नहा ली। नहाने के बाद नमाज पढ़ ली, अब आई हूँ छत पे कपड़ा डालने के लिए। फ्रेंड, देखिए धूप कितना तेज है और हवा भी तेज चल रही है। फ्रेंड, कपड़ा धूप में डाल दिए है और यहाँ पे आ गई हूँ। बहुत तेज़ धूप है, उसके वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। फ्रेंड, तो अब जा रही हूँ नीचे, ऊपर बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। फ्रेंड, आ गई हूँ किचन में इफ्तार की तैयारी करने के लिए, तो सबसे पहले जा रही हूँ चना चढ़ा देती हूँ बनने के लिए। चूल्हा जला दिए और चावल चढ़ा दिए बनने के लिए। चावल बन गया तो जा रही हूँ चावल पसा लेती हूँ। फ्रेंड, चावल पसा लिए, चावल हो गया तो फिर नमाज पढ़ने के लिए गई थी, तो नमाज पढ़ के आई हूँ, तो अब जा रही हूँ दाल पीस लेती हूँ। अदीवा को भूख लगा है तो अदीवा के लिए बन रहा है मैगी। मम्मा, मेरे लिए मैगी बना रही। फ्रेंड, तो साग बनेगा तो साग को पहले काट लेती हूँ। साग को काट लिए, अच्छे से धो ली, अब जा रही हूँ साग बना लेती हूँ। फ्रेंड, साग बन के तैयार हो गई। फ्रेंड, रमज़ान जब से आया है अदीबा परेशान बहुत ज़्यादा करती है, जो बना रहता है वो नहीं खाती है और जो नहीं रहता है वो कहती है मैं खाऊंगी, वो मुझे बना कर दो, तो इसलिए बहुत ज़्यादा अदीबा परेशान करती है। मैगी बन के तैयार हो गया है अदीबा के लिए। दाल को पीस लिए, सारा मसाला डाल दिए, अच्छे से मिक्स कर लिए, तो अब जा रही हूँ कचरी बनाने के लिए।
बैगनी के लिए बैगन काट लिए है, बेसन को घोल लिए हैं। तो अब जा रही हूँ लकड़ी वाले चूल्हे पर बनाने के लिए बैगनी। सोनू बैगनी बनाना शुरू कर दिया है। बैगनी बन गया है तो अब आलू का पकौड़ा बनेगा। तो आलू काटा जा रहा है। फ्रेंड तो आज थोड़ा लेट हो गया है इफ्तार बनाने में, क्योंकि थोड़ा लेट ही आज गए थे बनाने के लिए। तो अभी आलू का पकौड़ा भी बन के तैयार हो गया, तो सबके लिए इफ्तार निकाल दिए। तो इफ्तार कर लेती हूँ, फिर आप सबसे मिलती हूँ। फ्रेंड इफ्तार हो गया, मगरिब का नमाज भी पढ़ लिया और नमाज पढ़ने के बाद आ गई हूँ किचन में। बहुत सारा काम बचा है, अभी सब्जी बनाना है, किचन को साफ करना है, बर्तन धोना है। सेम आलू का सब्जी बनेगा तो सेम को पहले फ्राई कर देती हूँ। फ्रेंड्स सब्जी बन के तैयार हो गया। फ्रेंड्स सेरी का वक्त हो गया है तो मैं करा गई हूँ किचन में दूध गर्म करने के लिए। फ्रेंड दूध गर्म हो गया है तो सबके लिए सेहरी निकाल देती हूँ। आज शहरी में दूध और पाव, तो शहरी निकाल दिए तो जा रही हूँ सोनू और भाई को देकर आती हूँ। मैं तो सहरी देकर आ गई हूँ और मैं भी जा रही हूँ सहरी करने के लिए। सहरी कर लेती हूँ, फिर आप सबसे मिलती हूँ। फ्रेंड सहरी कर लिए हैं और अजान का भी इंतज़ार कर रही हूँ। फ्रेंड अब अजान हो रही है।